नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पूर्व में अक्षोहिणी वार्तिक का अध्ययन किया था। आज हम दूसरे वार्तिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हिंदी में अपवाद भी बोलते हैं। तो देखिए, प्रादु हो ढोढ़े एस एसेसु वृत्ति संधि के वार्तिक का अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले इस शब्द का विच्छेद करते हैं, जिससे हमें इस सूत्र के विषय में अच्छी तरह से मालूम हो जाए। तो देखिए साथियों, विच्छेद करते हैं। प्रात वो है, ऊठ ऊढ़ी, एस एसेसु, ये विच्छेद हुआ। प्रात का मतलब यहां पर है उपसर्ग। कौन सा? प्रे उपसर्ग, प्रे उपसर्ग। आगे है ऊ है, ऊ है। तो ध्यान से देखेंगे हम, प्रे को मैं अलग कर देता हूं। वर्ण विच्छेद प, रे और ए, ठीक है। यहां पर क्या है? ऊ है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या? देखिए, प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एसेस। ये वर्ण आ जाते हैं, ऊ ऊ ऊ ए और ये वर्ण आ रहे, और ये शब्द इस प्र के बाद में आते हैं, तो ये वार्तिक लागू होगा, ठीक है। और यह वहां पर वृद्धि एकादेश होगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ए और उ, यहां पर ए और उ दोनों मिलकर के आद गुणे सूत्र से गुण संधि होती है। आद गुणे सूत्र से गुण संधि होती है, लेकिन यहां पर ये वार्तिक क्या कह रहा है कि यहां पर गुण संधि नहीं होगी। तो क्या होगी? यहां पर पूर्व और पर्योग के स्थान पर वृद्धि संधि होगी, वृद्धि का आदेश होगा। तो जानते हैं वृद्धि के तीन वर्ण कौन से प्राप्त हुए? आ, आई और अब। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, अब का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व और पर्यो के स्थान पर क्या होगी? वृद्धि एकादेश होगा, यहां पर गुण संधि नहीं होगी, जिसको हिंदी में अपवाद भी बोलते हैं कि यहां पर गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि होगी। लेकिन हम संस्कृत में क्या कहेंगे? इस वार्तिक के कारण से वृद्धि संधि हुई है। यहां पर वृद्धि संधि का वो रूल नहीं लागू करेंगे, यहां पर वार्तिक के कारण से वृद्धि संधि हुई है, ये हम एग्जाम में आंसर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ इधर देखिए किस में है? कंठ और ओष्ठ इस वर्ण में है, औ में। यहां पर ओष्ठ नहीं है, यहां पर भी ओष्ठ नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा वर्ण औ आ जाएगा। किसके स्थान पर? पूर्व और पर्यो के स्थान पर। पूर्व का मतलब पहले, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये पूर्व है, ये पर, ठीक है। तो इनके स्थान पर ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या बच गया भाई? इसके और इसके दोनों के स्थान पर औ हुआ है, तो यहां पर हमारे पास में शेष रहा पर और यहां पर है। हमारी संधि क्या बनी? प्रो है। प्रो है का मतलब उत्तम तरीका, ये हमारी संधि हो गई। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। प्रे तो सब में रहेगा, अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ऊठ, ऊठ में भी यहां पर मैंने लिख दिया ऊठ, ठीक है। अब देखिए वही है, ए और उ पूर्व और पर्यो के स्थान पर आद गुण सूत्र से गुण संधि होती है। आद गुण सूत्र से क्या होती है? गुण संधि होती है। लेकिन ये वार्तिक कहता है कि यहां पर गुण संधि
नहीं होगी, तो क्या होगा, पूर्व और प्रयोग के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा, वृद्धि संधि होगी। तो वही बात है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, तो यहां पर कंठ और ओष्ठ वाला वर्ण कौन सा प्राप्त हुआ, औ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम औ लिख देंगे, यहां पर पूर्व और प्रयोग के स्थान, पूर्व और प्रयोग के स्थान पर औ हुआ, यहां पर प और र शेष रहा और यहां पर ढ रहा, तो हमारा शब्द बना प्रौढ़, ये शब्द बना प्रौढ़ मीन्स परिपक्व, प्रौढ़ ये शब्द बना। तो यहां पर ये संधि किससे हुई, इस वार्तिक से हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ऊढ़ी, ऊढ़ी ये मैंने लिखा ऊढ़ी। ठीक है, पूर्व में क्या है ए है और पर में क्या है ऊ है, ए और ऊ मिलकर के वो बनता है आदगुणे सूत्र से, लेकिन यहां पर ये वार्तिक कहता है कि यहां पर गुण संधि नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रेखादेश होगा, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, ए और ऊ, ए का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ के लिए हमें ये वर्ण लेना है, तो हमारा शब्द बनेगा प र औ और ढी, कि पूर्व में ये हमने ले लिया, ये ले लिया, तो नीचे हमें इनको नहीं लेना है, क्योंकि इसके और इसके स्थान पर तो औ हो गए। अब इसको हम ऐड कर देंगे प्रौढ़ी, ये शब्द बनेगा प्रौढ़ी, प्रौढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण में है इस, इस पूर्व में ए है कंठ, यहां पर क्या है ए कंठ और ताल, यहां पर एक पर रूपम संधि होती है, एक पर रूपम संधि होती है, लेकिन एक पर रूपम संधि से यह प्राप्त होता है प्रेस, लेकिन ये वार्तिक कहता है कि यहां पर एक पर रूपम नहीं होगी, क्या होगी, पूर्व और प्रयोग के स्थान पर वृद्धि संधि होगी, तो यहां पर यह नहीं होगा, वृद्धि होगी। तो यहां पर देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ताल, तो देखिए समानता किसमें है, आई कंठ और तालु, आ कंठ है, औ में कंठ और ओष्ठ है, तो हम ए ले लेंगे यहां पर, पूर्व और प्रयोग के स्थान पर क्या लेंगे, आई ले लेंगे, तो ये आई आ गया पूर्व इसके और इसके स्थान पर, तो इन दोनों को हम नीचे नहीं लेंगे, तो ये देखिए प्र र और श, तो हमारा शब्द बना प्रेस, प्रेरणा, प्रेस मीन्स प्रेरणा, वार्तिक के कारण से ये हमारा शब्द बना। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, एस से ये सप्तमी विभक्ति है बहुवचन में, इसलिए हम मूल शब्द लेंगे एस, तो ये लिया एस, पूर्व में ए है कंठ उच्चारण स्थान, यहां पर कंठ और तालु, कंठ और तालु हुआ, यहां पर भी एंग पर रूपम संधि से, एंग पर रूपम सूत्र से पररूप संधि होती है प्रेस से, क्या बनेगा, पररूप संधि से प्रेस, लेकिन ये वार्तिक कहता है, क्या कहता है कि यहां पर रूप संधि नहीं होगी, तो यहां पर क्या होगा, पूर्व और प्रयोग के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा, ये वार्तिक ये कह रहा है, तो इसलिए यहां पर ये संधि नहीं होगी, तो क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ, ये कंठ और तालु, इधर देखिए वृद्धि के तीन वर्ण प्राप्त हुए कंठ और तालु, यहां पर आई ले लेंगे, क्या ले लेंगे आई, अब यहां पर हमारे पास में क्या शेष रहा, प र और यहां पर श, तो शब्द बना हमारा प्रेस,
मीन्स प्रेरणीय, प्रेष्य प्रेरणीय। ये हुई हमारी इस वार्तिक के आधार पर संधि। अब सार रूप में जानेंगे हम। सार के रूप में जानते हैं प्र, वो है प्र ऊठ, प्र ऊढ़ी, प्र ईश और प्र ईश। प्र उपसर्ग के बाद में ये शब्द आते हैं, तो आपको इस वार्तिक के आधार पर वृद्धि संधि करनी है। आपसे पूछा जाए क्या कि देखिए प्रो है, पहले मैं लिख देता हूं, प्रौढ़ है और प्रौढ़ी, प्रेसे प्रेस्य, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे वार्तिक के कारण से प्रति संधि। इसमें कौन सा सूत्र लगा, वार्तिक, ये प्रादु हो डोढ़े ऐसे ऐसे, वृद्धि संधि नहीं कहेंगे। वृद्धि एकादेश हुआ है और यहां पर न तो गुण संधि होगी और न पररूप संधि होगी, वहां यहां पर इस वार्तिक के आधार पर वृद्धि संधि हुई। भाई कौन से सूत्र के कारण से यहां पर वृद्धि हुई है, तो आप यहां पर लिखेंगे वार्तिक, ठीक है। और इस प्र उपसर्ग के बाद में ये शब्द आते हैं तो ये संधि हमें प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मूल रूप में ये शब्द आपको ध्यान रखना है, उ है ऊढ़ ऊढ़ी ईस और इससे प्र उपसर्ग के बाद में, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।